नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अगर अपने घर में खुद डेकोरेट करें, अपने घर को खुद डेकोरेट करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने घर की सजावट कैसे करनी है, आपको अपना बेडरूम कैसे सजाना है, उन सारी चीजों के लिए छोटे से टिप्स हैं जो आप उनको सुनकर आप अपने घर को सजा सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। उसके लिए देखिए, अगर आप अपने बेडरूम को अपने पार्टनर के लिए अच्छा सजाना चाहते हैं और आपका पार्टनर जो है वो ऑफिस जाता है और आप चाहते हैं कि वो ऑफिस जाता है, लेट आता है और उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आप सेपरेट बेडरूम बना सकते हैं उसके लिए। जी हाँ, सेपरेट बेडरूम हो जिसका अलग से, जिसमें वो डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप सिंगल हैं और आपको खिलौनों से मोहब्बत है तो आप अपने बेडरूम को अच्छे से सजा सकते हैं। अच्छे तरीके से आप पिलो और उसके ऊपर एक छोटे से किड्स को, छोटा जो आजकल आपको लगे कि आप खूबसूरत लग रहा है, उसका कलर मैचिंग, उसकी चीजें उनको देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आप बड़े अच्छे तरीके से उसको सजावट में, आप दीवारों का रंग और प्राकृतिक रोशनी को एक ही मैचिंग का रख सकते हैं, जिससे आपका जो बेडरूम है वो क्लासिक लगेगा, वो देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। आप अपने कमरे में अगर अपने आप को खुद बहुत अधिक महसूस करना चाहते हैं तो पिंक कलर की कोई बेडशीट आप लगा सकते हैं और एक साथ में छोटा सा एक मिरर लगा सकते हैं, क्यूट सा दिखने वाला एक साइड लैंप लगा सकते हैं, जिससे आपको ये महसूस हो गया आप राजकुमारों की तरह जी रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो बेडशीट, फूलों वाली बेडशीट आजकल बहुत डिजाइन में आ रही है, आप उसको लगा सकते हैं और उस पिलोज के ऊपर भी आप फूलों वाले डिजाइन के आप उसके कवर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका बेडरूम अलग दिखाई दे। और आप आजकल एक स्टाइल चला है कि मुगल स्टाइल के लोग बहुत चीज लगाते हैं, बहुत कपड़े मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उसको भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पर्दों के साथ पलंग की सिल्क बेडशीट का जो कलर है वो एक जैसा हो तो बहुत खूबसूरत लगेगा, मैचिंग लगेगा और आपको अपने आप को बहुत अधिक रोमांटिक रखना है तो आप अपनी जमीन का रंग भी लाल रखिएगा और अपने बेड का रंग भी लाल रखिएगा और बेडशीट का रंग भी लाल रखिएगा, देखिएगा कि आप अपने आप को बहुत अधिक रोमांटिक महसूस करेंगे। तो इन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं और या आपको लगता है कि आप जगह जगह स्पॉट लाइटें लगा देते हैं लोग, तो उस लाइट्स के साथ क्या होता है कि आप अपने पार्टनर को अगर उसको पढ़ना है, लिखना है, कुछ काम करना है तो उसकी वही लाइट जलाकर उस रोशनी के अंदर काम कर सकता है और दूसरी जगह पर उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपने घर को, अपने बेडरूम को अपने पार्टनर के लिए या अपने लिए किस तरीके से सजा सकते हैं, किस तरह से मैचिंग कर सकते हैं, उसके छोटे से टिप्स आपको दिए हैं। इसका इस्तेमाल कीजिएगा और अपने जीवन में लाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, आपकी शेयर और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।